मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उस काम नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि 2004 में जब पहली बार मैं और राहुल जी हम लोग दोनों साथ में पार्लियामेंट में आए, लोकसभा चुनाव जीत कर आए, उस समय से लेकर आज तक वे पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद अध्यक्ष रहे हैं। और हर पार्टी में, हर देश में, हर लोकतंत्र में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी कभी हम चुनाव जीतते हैं, कभी कभी हम चुनाव हारते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी ने विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ उन्होंने उस विचारधारा को जनता के सामने लेकर काम किया, संघर्ष किया, मैं मानता हूं कि भविष्य में भी जिस प्रकार से सोनिया जी हमारी पार्टी को गाइड करती है, उसी प्रकार से राहुल जी हमारी पार्टी को गाइड करते रहेंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की बात की उन्होंने कि जल्द से जल्द बुलाया जाए, उसमें निर्णय लिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। और उसके बाद इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे जानकारी नहीं है। जो कार्यकर्ता है उनका मॉरल किस तरह से डाउन हो रहा है या फिर किस तरह? नहीं, मॉरल डाउन नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी, हम एक विचारधारा में विश्वास करते हैं और उसी विचारधारा को लेकर हम आने वाले दिनों में, महीनों में, भविष्य में हम लड़ते रहेंगे। सर, जो आने वाला जो कहीं बात ये भी हो रही है कि प्रियंका गांधी को फिर से ला सकते हैं, आप मानते हैं? मैं कमेंट, मैं इन चीज़ों में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग निराश हैं, लेकिन हमें राहुल जी के निर्णय का को सम्मान को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे जो जिनके पास अनुभव है, बुज़ुर्ग हो सकते हैं, नौजवान हो सकते हैं, उनके पास चुनावी ऑर्गेनाइजेशनल प्रशासनिक अनुभव है। और पार्टी को तय करना होगा कि राहुल जी का रिप्लेसमेंट कौन है। सर, उन्होंने जो बकायदा स्टेटमेंट रिलीज़ किया, उसमें 2019 की जो हार हुई है उसके मद्देनज़र उन्होंने अपनी बात रखी है कि मैंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन किया, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इससे जो आने वाले कुछ राज्यों में जो इलेक्शंस हैं उससे इफेक्ट गिरने वाला है, जिस तरह से जो टाइमिंग? देखिए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हर PCC अध्यक्ष, हर नेता का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मैं खुद एक PCC अध्यक्ष होने के नाते मैं मानता हूँ कि मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उन्होंने अभी निर्णय लिया है, उन्होंने औपचारिक रूप से इस निर्णय के बारे में जनता को बताया है। हमें उस निर्णय को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द एक उनका एक सक्सेसर हमें ढूंढना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की कोई कमी नहीं है और जैसे मैंने कहा, राहुल जी पार्टी को भविष्य में भी गाइड करते रहेंगे।